मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया 87-88 में। कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई। क्या कोई कांग्रेसी परिवार का व्यक्ति शहीद वीर भगत सिंह को मिलने गया था? झूठ है, झूठ है, झूठ है। हमारे देश की राजनीति में आपने अक्सर नेताओं को झूठे वादे करते हुए और अपने बयानों से मुकरते हुए तो देखा ही है। आज हम आपको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए कुछ बयानों और भाषणों का फैक्ट चेक करके दिखाएंगे कि मोदी जी अपने भाषणों में जो हिस्ट्री बताते हैं वह कितनी सच है और वह कितनी झूठ। आपको याद होगा कि मोदी जी ने न्यूज नेशन को एक दिए इंटरव्यू में ये कहा था कि उन्होंने 1987-88 में डिजिटल कैमरा यूज किया था और ईमेल भी की थी। शायद देश में शायद कोई हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद, और उस समय बहुत कम लोगों के पास ईमेल रहता था। तो मेरे यहाँ विरमगाम तहसील में अडवाणी जी की सभा थी, तो मैंने वो डिजिटल कैमरा पर उनकी फोटो ली। तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा आता था, मेरे पास था उस समय। मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की और दूसरे दिन कलर फोटो छपी। तो आडवाणी जी को बड़ा सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फोटो आज की आज कैसे छपी। अगर बात करें डिजिटल कैमरे की तो scroll.in के फैक्ट चेक के मुताबिक पहला कमर्शियल डिजिटल कैमरा कोडेक 100 1951 में बेचा गया था और इंडिया में इंटरनेट सर्विस 1955 में शुरू हुई थी। उस समय हम सिर्फ ईमेल पे टेक्स्ट ही भेज सकते थे, तो मोदी जी ने कैसे कैमरे पे फोटो खींच के ईमेल कर दी ये तो वही बता सकते हैं। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। जब पूरे देश में CAA और NRC को लेकर प्रदर्शन चल रहे थे तब मोदी जी ने दिल्ली में एक रैली की। इस रैली में पहले उन्होंने कहा था कहीं पर NRC के शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है। पहले ये तो देख लीजिए कि NRC के ऊपर कुछ हुआ भी है क्या? झूठ चलाया जा रहा है। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी NRC शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो हो सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा। क्या बातें कर रहे हैं, झूठ फैलाएगा। जबकि मोदी जी के इस भाषण से पहले ही उनकी पार्टी के कई दिग्गज नेता NRC की बात कर चुके थे। आपको याद होगा वो क्रोनोलॉजी समझिए, अमित शाह ने अप्रैल 2019 में अपने बयान में NRC का जिक्र किया था और लोकसभा में पूरे देश में NRC लगाने की बात भी कही थी। पहले CA भी होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आएगा, सारे रिफ्यूजी को, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, उसके बाद में NRC बनेगा। इसलिए जो शरणार्थी है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घुसपैठियों को जरूर चिंता करने की जरूरत है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले CA भी आने जा रहा है, CA भी आने के बाद NRC आएगा, और NRC सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। ओवैसी साहब ने अभी कहा कि NRC का बैकग्राउंड बना रहे हैं। NRC का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है, हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में NRC होकर रहेगा, कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं, बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। वही राजनाथ सिंह ने भी अपने बयान में NRC का जिक्र किया था। पता ही नहीं लगता है कौन देशी है कौन विदेशी है। आप तो कम से कम यह चाहते हैं ना कि हम आपको इस बात का पता होना चाहिए कौन देशी है कौन विदेशी है, ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, मैं आपसे मैं पूछना चाहता हूं। इसलिए हमारी हम लोगों ने फैसला किया है इस देश में सभी राज्यों में NRC कराई जाएगी और इसका फैसला करेंगे कि भारत में कितने विदेशी हैं, कहां से वहां आए हुए विदेशी हैं। इसके अलावा मोदी जी के इसी भाषण में उन्होंने डिटेंशन सेंटर का जिक्र भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में कहीं भी डिटेंशन सेंटर नहीं है। कोई देश के मुसलमानों को न डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, न हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर है। भाइयों बहनों,
ये सफेद झूठ है, ये बद इरादे वाला खेल है, ये नापाक खेल है। जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया में असम में ही 6 डिटेंशन सेंटर हैं। इसके अलावा कर्नाटक के नेलामंगला में बेंगलुरु से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक समाज कल्याण विभाग के छात्रवास को एक डिटेंशन सेंटर में बदल दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी का ये दावा भी झूठ है, झूठ है, झूठ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटका की रैली में अपने भाषण में ये कहा कि क्या कोई भी कांग्रेसी नेता शहीद भगत सिंह से मिलने क्या कभी जेल गया था? आप मुझे बताइए, देश के लिए मर मिटने वाले, आजादी के जंग के अंदर जान खपाने वाले वीर शहीद भगत सिंह जब जेल में थे, मुकदमा चल रहा था, क्या कोई कांग्रेसी परिवार का व्यक्ति शहीद वीर भगत सिंह को मिलने गया था? मिलने गया था? बटुकेश्वर दत्त, उन पर मुकदमा चल रहा था, वीर थे, स्वतंत्र सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, क्या कोई कांग्रेसी परिवार बटुकेश्वर दत्त को जेल में, कोर्ट में या अस्पताल में कहीं पर मिलने गया था? अब आप ये ट्रिब्यून न्यूज़पेपर की रिपोर्ट देखिए जो 10 अगस्त 1929 को छपी थी। इसमें साफ लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार भगत सिंह और मिस्टर बी के दत्त से जेल में मिले थे। तो मोदी जी का ये दावा भी झूठ है। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहां पता है। अब बात करते हैं मोदी जी की एक और स्पीच की। मोदी जी ने 2018 में कर्नाटका रैली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि नेहरू जी के टाइम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में फील्ड मार्शल करियप्पा और जनरल थमाया को अपमानित किया गया था। सुनिए मोदी जी ने जनरल थमाया के बारे में क्या कहा। 1948 में पाकिस्तान से युद्ध जीता फील्ड मार्शल जनरल थमैया जी के नेतृत्व में, लेकिन उस पराक्रम के बाद कश्मीर को बचाने वाले जनरल थमैया का उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू और उस समय के रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन ने बार बार अपमान किया था, और इसी के कारण जनरल थमैया को अपने पद से सम्मान के खातिर इस्तीफा देना पड़ा था। मैं कर्नाटक की नई पीढ़ी को बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस का रवैया देश के सेना के मुखिया के प्रति रहा है। मोदी जी 1948 में जनरल थमैया इंडियन आर्मी के मुखिया नहीं थे, तब जनरल रॉय बुचर इंडियन आर्मी के मुखिया थे। थमैया 1957 में मुखिया बने और 1961 तक इस पद पर बने रहे। 1948 में थमैया ने इस्तीफा नहीं दिया और ना ही इस्तीफा देने की पेशकश की, और ना ही उस समय नेहरू के साथ उनका कोई मतभेद था। वास्तव में नेहरू ने 1948 में पाकिस्तानी हमलावरों को वापस भगाने में थमैया की भूमिका को मान्यता दी। उन्हें कोरिया में प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस के रिपैट्रिएशन कमीशन का नेतृत्व करने के लिए कहा। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि थमैया को राष्ट्र की सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया जाए। और एक और फैक्ट, 1948 में कृष्णा मेनन डिफेंस मिनिस्टर नहीं थे, तब हमारे रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। अब बात करते हैं मोदी जी के 2019 के लोकसभा स्पीच में दिए कुछ दावों की। मोदी जी ने घर बनाने को लेकर अपनी पार्टी के सत्ता में रहते हुए 55 महीने और कांग्रेस में 2014 से पहले 5 साल का जिक्र किया। आप भी सुनिए उन्होंने क्या आंकड़े दिए। अब जरा हिसाब की बातें चल रही थी, हमारी सरकार तो हमारी सरकार, तो मैं भी बता दूं, 55 साल मेरे 55 महीने, 55 साल मेरे 55 महीने, 2014 के पहले 5 साल आपकी सरकार ने 25 लाख घर बनाए, हमने 55 महीने के अंदर 1 करोड़ 30 लाख घर बना करके चाबी दे दी।
क्विंट वेबसाइट ने इसका फैक्ट चेक किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1.13 करोड़ घर बनाए गए, जबकि यूपीए सरकार ने साल 2010-11 और 13-14 के बीच में ही 89.65 लाख घर बना दिए थे। मोदी जी ने बिजली को लेकर भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल और अपने पार्टी के कार्यकाल के बीच कंपैरिजन किया। आपका 2004 का मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपका 2009 का मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपका 2014 का मैनिफेस्टो देख लीजिए। आपने तीनों मैनिफेस्टो में ये कहा है कि हम तीन साल के भीतर, चार में कहा तीन साल के भीतर, आपने नौ में कहा तीन साल के भीतर, चौदह में कहा तीन साल के भीतर हर घर में बिजली पहुंचाएंगे। आपके मैनिफेस्टो में है बिजली पहुंचाएंगे। मैं हैरान हूं, वो गरीबी हटाओ तो आप एक्शन करते गए हैं, लेकिन 2004 में भी तीन साल, 2009 में भी तीन साल, 14 में भी तीन साल, और आज घरों में बिजली पहुंचाने के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ रही है। 2.5 करोड़ परिवारों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर दिया। 2011 के सेंसस की बात करें, 5,57,000 गांवों में से सिर्फ 18,452 गांवों में ही बिजली नहीं थी, मतलब करीब 97% गांवों में पहले ही बिजली पहुंच चुकी थी। तो इन आंकड़ों की माने तो 2014 के बाद मोदी सरकार द्वारा सिर्फ 3 या 4% गांवों में ही बिजली पहुंचाई गई है। तो आपने देखा कि कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री सरेआम पूरे देश से अपने भाषणों में झूठ बोल जाते हैं, और हमारा मेनस्ट्रीम मीडिया बिना फैक्ट चेक किए इन्हीं भाषणों को लेकर छाती पीट पीट कर मोदी जी की तारीफ करने में जुट जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।